तो पावर क्वेरी की हमारी इस क्लास में हम अभी तक बात कर चुके हैं कि हम डेटा को कैसे कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। अब उसे आगे बढ़ते हैं, हम पावर क्वेरी के अंदर उसकी जो मेनूज है उसके बारे में एक बार जानते हैं कि क्या किस तरह का काम करता है। तो एक बार डेटा ले लेते ताकि उस पर काम करने में अच्छा होगा। एक बार मैंने डेटा कनेक्ट कर देता हूँ, एक डेटा को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, एक्सेल डेटा ही है, इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो हमने पावर क्वेरी की पहली पार्ट को खत्म किया, डेटा कनेक्टिविटी, कि आप किसी भी सोर्स से डेटा लेके पावर क्वेरी में आते हैं, और हम यहाँ पे डेटा लेके आ चुके हैं। अब इसके अंदर जो है ना, मेनू बार जान लीजिए, होम हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एड कॉलम हो गया और व्यू हो गया। तो होम में जो रिसेंटली जो मोस्ट यूजेज होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहली चीज ट्रांसफॉर्म, अगर आपके डेटा को चेंज करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म कॉलम के फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आता है ऐड कॉलम, आप कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेटर कॉलम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, हम ऐड कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। और व्यू तो जैसे पता ही होगा कि आपके जो विंडोज है ना उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम होम से स्टार्ट करते हैं। होम में सबसे पहले लोड एंड क्लोज है। जब डेटा आपका कनेक्ट हो जाता है, डेटा आप रेडी टू यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं अब डेटा को बस लोड करना चाहता हूँ, तो लोड एंड क्लोज पे आप आइए और लोड एंड क्लोज करते हैं तो लोड होके जस्ट पूरी पूरी डेटा डिफॉल्ट लोड हो जाएगी और ये आपका पावर क्वेरी क्लोज हो जाएगा। दूसरा आता है लोड एंड क्लोज टू, जहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन सेलेक्ट कि आप जो लोड करना चाहते हैं टेबल, पिवट टेबल और एनी कनेक्शंस, इन चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ आपके जो चीज़ें दिखती है यहाँ पे क्यूरीज, जितना आपने डेटा को कनेक्ट कर रखा है या फिर आपने एडवांस क्यूरी डेटा के जरिए क्यूरी टाइप कर रखी है उसके लिस्ट यहाँ पे आएंगे, और जिस भी कनेक्शन को सेलेक्ट करेंगे उसके स्टेप्स यहाँ पे हैं। जैसे कि देखिए मैं डेटा लोड किया तो सबसे पहले सोर्स आया, सोर्स कि कौन कौन से डेटा टेबल है, कितने शीट है, सोर्स कनेक्ट। उसके बाद आया नेविगेशन, उसने नेविगेट किया कि किस सीट का डेटा आपको चाहिए। तो ये आइटम डेटा है, करंट सीट है। फिर आता है प्रमोटेड हीडर, जो पहले कॉलम, आप इस पहले वाले देखिए इसमें क्या है कि कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दिया गया है, लेकिन जब प्रमोटेड हीडर हुआ, हीडर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आ भी रहा है कि आप यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर कर सकते हैं। तो ये प्रमोटेड हीडर हुआ और ये नहीं हो गया। उसके बाद आता है चेंज टाइप, जो डेटा के टाइप है, देखिए यहाँ पे डेटा का कोई टाइप नहीं है, आप देख पा रहे हैं इन्होंने चेंज टाइप कर दिया। तो चेंज टाइप करने से क्या हुआ कि एबीसी नंबर, एबीसी नंबर, एबीसी नंबर, सब नंबर टेक्स्ट है, लेकिन जब चेंज टाइप हुआ तो ये आप देखिए एबीसी या 1 2 3 है, एबीसी 1 2 3, n 2 3 n 2 3, उसके अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से उसने अपने कॉलम को आपने चेंज कर लिया होगा, ये प्रीव्यू हुआ। अब बात करते हैं कि हम डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉलम के अंदर में बहुत मतलब एक दो कॉलम ब्लैंक होते हैं या फिर कोई टेक्स्ट लिखा होता है तो कॉलम का टाइप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ले लेता है। अब इसमें भी है, अगर एबीसी लिखा है इसका मतलब कि वो टेक्स्ट है, कैलेंडर बना होगा तो डेट है, 1 2 3 है तो नंबर है, और 1.2 होगा, यहाँ देखिए आगे बढ़िएगा तो आपको 1.2 दिखेगा, ये डेसिमल है, 1.2 मतलब डेसिमल है। तो ये इंडिकेशन होता है समझने के लिए कि आपका डेटा क्या है। हालांकि आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कॉलम को डेटा चेंज करना चाहे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, इसके बारे में हमने जाना। अब इसके बाद हम क्यूरी पे चलते हैं। तो लो क्लोज के बाद हम बात करते हैं क्यूरी पे। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि कितने टोटल कॉलम्स, कितने रो है यहाँ आपको दिखाता है, और जिसको आप सेलेक्ट कर रखे वहाँ दिखेगा कि आपने 1000 सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे
थाउजेंड्स के ऊपर आ रहा है, और जिस पे कर सेलेक्ट करेंगे उस पे कौन सी वैल्यू डली है वो आपको यहाँ दिख रहा है ए व्यू में, ये जरिए यहाँ से होता है, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये ऊपर जो दिखता है फॉर्मूला हुआ, क्योंकि जो हम क्यूरी वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि सोर्स चेंज करना है आपको कि आपका फाइल कहीं और है, नहीं डेटा नहीं है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्यूरी आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और लिखा हुआ क्यूरी को देख भी सकते हैं। इसके बारे में हम आगे क्लासेस में जानेंगे आपके साथ। अब क्यूरी में आते हैं, सबसे पहले आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब कि अभी क्या है कि आपका डेटा मेरे इस डेटा फाइल से आ गया हुआ है। इस डेटा फाइल में अगर किसी तरह का चेंजिंग होता है तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी पे जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी दिखेगा कि आपका जो डेटा है उसका क्या प्रॉपर्टी है। तो डेटा है और इसके अंदर बस नाम बताया कि डेटा है और प्रॉपर्टी में क्यूरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, तो हर बार वही दिखेगा आपको। उसके बाद आप एडवांस एडिटर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो क्यूरी लिखने का तरीका दे देगा, जैसे कि लेट, आपने यहाँ पे लेट किया, एज्यूम कर लिया और फिर यहाँ पे इन करेंगे, मतलब कि आपका डेटा वापस आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। अब ये क्यूरी कनेक्शन कैसे टाइप की जाती है आगे क्लासेस में आपको बताएंगे, पर एडवांस क्यूरी से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर आता है मैनेज। मैनेज में आप डिलीट करना चाहते हैं, मतलब जो डेटा सेट है उसको डिलीट करना चाहते हैं, हालांकि डिलीट राइट क्लिक करके आप यहां से भी कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहां आता है डुप्लीकेट। मान लीजिए हुआ कि मुझे एक और मुझे डेटा का दो, एक ही सोर्स का दो टेबल चाहिए मुझे, क्योंकि एक टेबल में हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं, दूसरे टेबल में कुछ और चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ डुप्लीकेट कर दूंगा। तो डुप्लीकेट क्या करेगा, इसका कॉपी पेस्ट कर देगा, मतलब कि इसके अंदर कोई चेंज होगा तो डेटा टू के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, सोर्स डेटा में कोई चेंज होगा तो दोनों में चेंज होगा, सोर्स डेटा में कोई चेंज होगा तो दोनों में चेंज होगा। लेकिन इसी में अगर रिफ्रेंस कर देते हैं, रिफ्रेंस करने से क्या होगा कि अब डेटा टू का रिफ्रेंस बन गया, कि डेटा टू में अगर कोई चेंजिंग होती है तो आपका ये जो है, क्योंकि रिफ्रेंस है तो इसमें भी आपको रिफ्रेंस करने पे चेंज होगा इसके अंदर भी। देखिए मैंने अजीत का फिल्टर डेटा टू पे लगाया, डेटा थ्री पे ऑटोमेटिक अजीत का फिल्टर लग गया, तो रिफ्रेंस करने की भी जरूरत नहीं है। आप डेटा टू का कुछ और भी चेंज करेंगे तो यहाँ कुछ और चेंज हो जाएगा। तो मैनेज में तीन चीज़ें हैं, डिलीट करना, डुप्लीकेट बनाना एक मतलब कि कॉपी करना, और दूसरा आता है रिफरेंस मतलब कि लिंक करना। तो अभी की इस वीडियो में हमने डिस्कस की स्ट्रक्चर ऑफ द पावर क्यूरी, उसके बाद हमने बात की क्यूरी कनेक्शंस के बारे में। अब अगली क्लास में हम इससे आगे इस वीडियो पर बात करेंगे। थैंक यू।